फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज है आपकी एचपी जेओए एग्जाम 2020 की क्लास 4। इससे पहले भी जो है मैं 3 क्लासेस ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो एक काम कीजिएगा कि प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो आपको एचपी जेओए एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा, जहां पर आपको जितनी भी जेओए से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं सारी आपको वहां पर मिलेंगी। तो अगर आपने प्रीवियस भी कोई वीडियो नहीं देखी है और आपके अगर काम की है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। आज की जो वीडियोस है वो आपकी डिटेल वीडियोस होगी और आने वाले टाइम में भी जो है वो डिटेल हम जो है वो कवर करेंगे। बीच बीच में हो सकता है कि एक आधी वीडियो जो है वो एमसीक्यूज के ऊपर या फिर शॉर्टकट कीज के ऊपर आ जाए, बट जितनी भी वीडियो होगी वो सारी आपकी डिटेल में होगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। इसका पार्ट 1 है क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारी चीजें जो है वो इसके अंडर आती हैं। तो हम सबसे पहले आज पार्ट 1 में बेसिक बेसिक चीजें जो है वो कवर कर लेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। जैसा भी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा उस हिसाब से आपको बहुत जल्दी वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले परीक्षा ऐप पर जो है आप डिफरेंट डिफरेंट मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर का जो है अब आप सभी का, जिन्होंने भी भरा होगा उनका एग्जाम होगा, तो तैयारी तो आपकी हो चुकी है। अब आपको ये देखना है कि आपकी सीटिंग कितनी है और आपकी तैयारी जो है वो कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हो जो भी आपको टाइम मिलेगा। तो इसके लिए जो है आप डिफरेंट डिफरेंट मॉक टेस्ट को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशली आपका असिस्टेंट मैनेजर की मैं बात कर रहा हूँ। करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन जाकर आपको परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। ये मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि जितने भी दिन बचे आपके 2-3, तो उसमें जो है आप एक बार सभी मॉक टेस्ट को दे दीजिएगा ताकि आपको एक तरह से आपकी सीटिंग बन जाए। तो डिस्क्रिप्शन जाकर आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आप साइन अप वगैरह कर लीजिए। टेस्ट वाला सेक्शन आएगा जब भी आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा, उसके बाद क्या है कि आप जो है वो परचेज करते वक्त जो है आपको कूपन कोड करना है यूज जीके स्टडी 50 का, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो कि आने वाले एग्जाम होंगे तो उसका भी मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत जल्दी आपको एचपी जेओए आईटी एग्जाम 2020 का भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एचपी वन पास को भी आप परचेज कर सकते हो जिसमें आपको कॉम्बिनेशन में जो है वो मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और एक चीप प्राइस में जो है वो आपको सभी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। वैसे तो सभी को पता ही होगा कि कंप्यूटर होता क्या है, बट मेरा काम है आपको बेसिक से शुरुआत करवाना और कोशिश ये रहेगी कि एग्जाम होने से पहले पूरा सिलेबस आपको जो है वो कंप्लीट करवाया जाए। तो व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करें, वैसे तो आप ये पूरा पढ़ सकते हो बट इसी को ही मैं आपको जो है वो इजी लैंग्वेज में बता देता हूं कि कंप्यूटर होता क्या है। कि कंप्यूटर क्या है, एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, देखा सभी ने होगा। उसमें होता क्या है कि आप क्या करते हो कि जो आपका रॉ डाटा होता है, कंप्यूटर क्या करता है कि आपका जो रॉ डाटा होता है जो आप एक इनपुट के थ्रू डालते हो उसमें, ठीक है, तो उसको आपसे लेता है, उसको प्रोसेस करता है डिफरेंट आपके प्रोग्राम्स के अंडर और फिर उसको जो है वो एक आउटपुट आपको दे देता है, ठीक है, और इसको सेव कर लेता है फर्दर फ्यूचर यूज के लिए। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको याद रखना है कि कंप्यूटर क्या करता है कि जो भी डाटा आप कंप्यूटर को देते हो उसको कन्वर्ट करता है आपका इंफॉर्मेशन में, ठीक है। ये चीज आपको कंप्यूटर के बारे में याद रखनी है, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है कि आप जो भी डाटा उसको देते हो उसको कन्वर्ट करता है, उसको प्रोसेस करके, उसको अपने तरीके से हैंडल करके, यानी कि प्रोग्राम जितने भी होते हैं उसमें, उसके थ्रू उसको फिर आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में या आउटपुट में उसको कन्वर्ट कर देता है। ये काम होता है आपका कंप्यूटर का। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गएगा और ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको ये पहली क्लास में भी करवाया था और ये पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम में कि जो कंप्यूटर का काम होता है वो क्या करता है, डाटा को ट्रांसफर करता है किस में, ये पूछा गया था। तो ऑप्शन दिए गए थे इन्फॉर्मेशन और अदर आपके पास ऑप्शन। तो इस तरीके से आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा वो कहीं से भी आ सकता है। तो ये चीज है, आपको एक एक पॉइंट को जो है वो अच्छे से समझना है। तो ये हो गई आपकी कंप्यूटर की डेफिनेशन सिंपल सी। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी फंक्शनैलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर फंक्शन करता है वो किस तरह से करता है। तो यहां पर मैंने स्टेप में ऐड किया है। सबसे पहले स्टेप की अगर बात करते हैं, टेक्स डाटा एज इनपुट। सबसे पहले क्या करता है कंप्यूटर, आपसे डाटा लेता है इनपुट के थ्रू, यानी कि एज इनपुट। अब इनपुट आपका जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनको हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे उनके थ्रू होता है, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो उनके थ्रू आप जो भी डाटा देते हैं सबसे पहले कंप्यूटर उसको लेता है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करता है कि स्टोर्स द डाटा
एंड इंस्ट्रक्शंस इन इट्स मेमोरी। जो भी कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है, जितनी भी मेमोरी होती है, उसमें जो भी आपके द्वारा डाटा दिया गया होता है या फिर इंस्ट्रक्शंस दी गई होती है, उसको उसमें स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जैसे आप उसको आदेश दोगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको यूज करता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया कि आपने उसको क्या किया, डाटा दिया, यानी कि उसने आपसे डाटा लिया इनपुट के थ्रू, फिर उसने क्या किया, उस डाटा को स्टोर किया, उसकी जो भी मेमोरी थी, और जैसे जैसे जरूरत पड़ी उस डाटा को उसने यूज किया। तीसरा क्या है, प्रोसेसेस द डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोसेस करता है वो डाटा को, जो भी आप उसको डाटा देते हो, और फिर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर लेता है एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में। और फोर्थ स्टेप जो करता है, वो करता है जनरेट द आउटपुट, वो आपको एक आउटपुट देता है, ठीक है। पांचवा स्टेप क्या है कि कंट्रोल ऑल द अबव फोर स्टेप। तो जितने भी स्टेप हैं ये कंप्यूटर के द्वारा ही जो है वो किए जाते हैं। अब जिन्होंने कोर्स वगैरह किया है उनको तो आई थिंक बिल्कुल इजी लग रहा होगा, ये चीजें समझ आ रही होंगी इजीली, और ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ज्यादा बेसिक है। बट जिन्होंने नहीं किया है, स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है। तो एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए, मान लीजिए ये है आपका कंप्यूटर, ठीक है, ये हो गया आपका कीबोर्ड और ये हो गया आपका माउस, ठीक है, और ये हो गया आपका एक प्रिंटर। अब अगर फंक्शनैलिटी की बात करें तो सबसे पहले क्या किया, मान लीजिए आपने आपने कीबोर्ड या माउस की मदद से एक प्रिंट की कमांड दी है, यानी कि आप किसी पेज को प्रिंट करना चाहते हो कंप्यूटर के पेज को, तो आपने माउस के थ्रू या फिर कीबोर्ड के थ्रू जो है वो कमांड दी है कि आप जो है उस चीज को प्रिंट करना चाहते हो। तो आपने कमांड दे दी, यानी कि आपने डाटा आपने प्रोवाइड करवा दिया है, आप किस चीज को जो है वो प्रिंट करना चाहते हो। अब कंप्यूटर क्या करेगा, उस चीज को प्रोसेस करेगा और फिर जो है आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो है वो आउटपुट देगा, यानी कि आपको प्रिंट प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन। ये तो मैंने एक प्रिंटर के तरीके से आपको बताया, जरूरी नहीं है कि प्रिंटर हमेशा ही ऐड किया जाए, आउटपुट किसी भी तरीके की हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, आपने अपना डाटा डाला उसमें कि हमने ये चीजें प्लस करनी है माइनस करनी है, पूरी आपने एक बहुत बड़ा डाटा जो है उसको दे दिया है कंप्यूटर को, और जैसे ही आपने ओके का जो है वो बटन प्रेस किया, उसने अपने तरीके से कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और आपको जो है वो इंफॉर्मेशन या फिर आउटपुट दे दिया और उसका सही आंसर दे दिया, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो काम होता है आपका कंप्यूटर का। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से फंक्शन करता है आपका कंप्यूटर। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर एक आप डायग्राम भी देख सकते हैं, ये आपका इनपुट हो गया, फिर ये बीच में आपका प्रोसेस होता है, ठीक है, स्टोरेज होती है, ठीक है, और उसके बाद आपका आउटपुट निकलता है। तो इस तरीके से आप जो है याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आप यूज करते हो, ठीक है, तो उसकी एडवांटेजेस क्या क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं हाई स्पीड, ठीक है। कंप्यूटर इज वेरी फास्ट डिवाइस, आप सभी को पता ही है कि कंप्यूटर जो है वो वेरी फास्ट डिवाइस होता है, ठीक है, बहुत तेजी से काम करता है, कोई भी काम जो है आप उससे बड़ी तेजी से करवा सकते हो। इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, कितना भी बड़ा अमाउंट हो डाटा का उसको ये कुछ सेकेंड्स में जो है वो कैलकुलेट कर देता है, ठीक है। तो ये अच्छे से बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को भी जो है वो परफॉर्म कर लेता है। द कंप्यूटर हैज यूनिट्स ऑफ स्पीड इन माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड इवन द पिको सेकेंड, ठीक है। कंप्यूटर क्या होते हैं, इनकी माइक्रो सेकेंड में स्पीड होती है, नैनो सेकेंड में स्पीड होती है, इवन आपको देखने को मिलेगी कि पिको सेकेंड में भी इनकी स्पीड होती है, बट ये डिपेंड करता है वैरायटी ऑफ कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। जितनी भी वैरायटीज डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर की होती है, जब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे अगली वीडियोज में, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह तरह के कंप्यूटर होते हैं। तो माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड और इवन पिको सेकंड में भी आपको स्पीड मिलेगी, वेरी फास्ट होते हैं और परफॉर्मिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि कैलकुलेशन जो बहुत बड़े 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 अमाउंट होते हैं डाटा के, उनको भी ये कुछ सेकंडों में जो है वो कैलकुलेट कर देते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेजेस क्या होगी आपकी, वो होगी आपकी हाई स्पीड। नेक्स्ट जो है वो है आपकी एक्यूरेसी। इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट, कंप्यूटर्स आर वेरी एक्यूरेट, ठीक है। कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, 100% जो है ये आपके एरर फ्री होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म करते हैं सभी जो आप वर्क करेंगे उसमें 100% एक्यूरेसी के साथ, बट एक शर्त है कि जो भी आप इनपुट डालोगे वो करेक्ट होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने जो भी कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या फिर कोई भी, मान लीजिए सिंपल सी बात करते हैं ना, एक कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं, आप कंप्यूटर में कैलकुलेटर यूज कर रहे हो। अब अगर आपने अपने डिजिट वगैरह जो भी आप प्लस माइनस करना चाहते हो, अगर आपने सही से आपने इंस्ट्रक्शन दी है, तो आपको उसका आंसर भी जो है वो 100% एक्यूरेसी के साथ मिलेगा, ठीक है।
तो ये 100% एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करती है आपके इनपुट के ऊपर कि किस तरह से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपकी इंस्ट्रक्शन 100% एक्यूरेट है, 100% सही है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो भी 100% एक्यूरेट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इंफॉर्मेशन सही दी और आंसर आपको गलत आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो एक्यूरेसी के मामले में भी जो है वो कंप्यूटर टॉप पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टोरेज कैपेबिलिटी। मेमोरीज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो मेमोरीज होती है, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। बहुत ज्यादा जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंप्यूटर की देन ह्यूमन बींग्स। आपको पता ही है कि जो मानव है यानी कि ह्यूमन बींग्स है उनसे ज्यादा बहुत कहीं ज्यादा जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी होती है आपकी कंप्यूटर की, और ये जो है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा सच एज इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, ईटीसी। कुछ भी आप इसमें अगर डाटा स्टोर करना चाहते हो, डिपेंड करता है इसकी मेमोरी के ऊपर कि कितनी कितनी मेमोरी है इसकी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, इसमें सभी जो है वो आपके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी एक और जो एडवांटेजेस है इसकी, वो है आपकी स्टोरेज कैपेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं डिलीजेंस। ठीक है, अनलाइक ह्यूमन बींग, अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अब देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में हो जाता है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, ठीक है, या फिर आपकी कंसंट्रेशन थोड़ी वीक हो जाती है, तो कंप्यूटर में ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, कोई भी आपको कंसंट्रेशन में लैक नहीं मिलेगा, कोई भी आपको इसमें थकान नहीं मिलेगी कि कंप्यूटर थक जाता है, आप जितना चाहें उस पर काम कर सकते हो। इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी एरर एंड बोर्डम, किसी भी विदाउट एरर, कोई भी एरर इसमें ना आए, इसके साथ साथ जो है ये जो है कंटिन्यूसली लगातार काम करता रहता है। आप सुबह से शाम इस पर काम कर लीजिए, फिर भी ऐसा नहीं होगा कि सुबह ये अच्छा चल रहा था, शाम को ये गलतियां दिखाना इसने शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट कैन परफॉर्म रिपीटेड टास्क विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप कोई भी काम को चाहे 10 बार कीजिए, चाहे 100 बार कीजिए, ये फिर भी सेम स्पीड के साथ और सेम एक्यूरेसी के साथ उस काम को करेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होते हैं, वो डिलीजेंस भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर एडवांटेजेस की बात करें तो कंप्यूटर क्या होते हैं कि वर्सेटाइल मशीन होती है। ठीक है, ये किसी भी काम को जो आप भी इसको जो भी काम इससे करवाओगे उसको करने में ये बड़े ज्यादा जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो है वो कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये ज्यादा चीजें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। आपको देखा ही होगा जब हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में, तो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी अलग अलग सेक्टर हैं, किसी ना किसी रूप में जो है वो कंप्यूटर का यूज कहीं ना कहीं पे जो है वो किया जाता है। तो कंप्यूटर क्या है, एक वर्सेटाइल मशीन है। नेक्स्ट की बात करते हैं रिलायबिलिटी। A computer is a reliable machine. Modern electronic components have long lives. ठीक है, एक reliable जो है ये machine होती है और इसके जो modern जो आपके components हैं electronic उनकी जो है वो ज्यादा लंबी life होती है। Automation की बात करें, एक और इसके advantage है वो है आपकी automation. Computer is an automatic machine. एक ये automatic machine होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा चीजें जो है वो manually करनी पड़ेगी। Simple सा है कि आप कुछ ही एक आपका computer है उसमें आप input देते हो, अपने data को देते हो और वो खुद process करके जो है वो आपका output दे देता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। Automation is ability to perform a given task automatically. Once the computer receive a program, is that the program is stored in the computer memory, then the program and instruction can control the program execution without human interaction. ठीक है, यानी कि सिंपल सा मैंने वही बताया कि एक बार जब आपने इनपुट दे दिया, अपना डाटा इसको दे दिया, तो ये क्या करेगा, सिंपल सा उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा आपकी इंफॉर्मेशन में और वो चीजें आपको प्रोवाइड करवा देगा। तो ये क्या चीजें होती है, ये होती है सारी आपकी ऑटोमेटिक यानी कि ऑटोमेशन का। फिर नेक्स्ट क्या है आपका एडवांटेजेस, वो है आपकी रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट। तो इसको तो आपको मुझे आई थिंक समझाने की जरूरत नहीं है कि पेपर वर्क जो है वो आपका रिड्यूस करता है। पहले क्या करते थे कि बहुत सारे जो है वो काम कागजों में किए जाते थे। ठीक है, तो बहुत सारे कागज यूज होते थे, बहुत सारे पेपर यूज होते थे। अब वही काम जो है वो आपके कंप्यूटर के थ्रू वर्ड फाइल पर, पावर पॉइंट पे या फिर एक्सेल में किए जाते हैं। ठीक है, तो पेपर वर्क और कॉस्ट को जो है वो ये चीज जो है वो रिड्यूस करती है। तो ये थी कुछ एडवांटेजेस जो कि आपको पता होने चाहिए अगर आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो आपको क्या कंप्यूटर क्या है, ठीक है, इसकी फंक्शनैलिटीज कैसी होती है, इसकी एडवांटेजेस क्या होती है, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती है और इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पढ़ना जरूरी है जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो
हर चीज की जो है आपको पता ही होगा कि एडवांटेजेस होने के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हो सकती है। तो सबसे पहला जो है नो आईक्यू, तो कंप्यूटर का कोई भी अपना आईक्यू नहीं होता है, ठीक है। ये कैसे बोल सकते हैं हम कि देखिए कंप्यूटर क्या है कि जो भी आप इनपुट देते हो, यानी कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो, जो भी आपने कंप्यूटर को काम करने को बोला, वही जो है वो करेगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको इन्फॉर्मेशन देगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई रॉन्ग जो है वो आपने इंस्ट्रक्शन दी और कंप्यूटर ने उसको सही करके जो है आपको प्रोवाइड करवा दी, यानी कि कंप्यूटर का अपना आईक्यू नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका डिपेंडेंसी। इसके जो कंप्यूटर होता है वो टोटली डिपेंड करता है ह्यूमन के ऊपर, यानी कि अगर आप इंस्ट्रक्शन दोगे तो ही कंप्यूटर वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई इंस्ट्रक्शन ना दो और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो कंप्यूटर जो है वो डिपेंड करता है आपका, टोटली डिपेंड करता है ह्यूमन बीइंग के ऊपर। नेक्स्ट है नो फीलिंग। इसकी कोई भी अपनी फीलिंग नहीं होती है, कोई भी इमोशन नहीं होते, ये इमोशन के ऊपर काम नहीं करता है, क्योंकि आपको पता ही है ये एक मशीन है। तो ये कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस हैं और एडवांटेजेस मैंने जो है वो आपसे शेयर कर दी है। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की एप्लीकेशन यानी कि किस किस जगह पर जो है वो कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। तो वैसे तो आपको ये चीजें पहले से ही पता होगी, बट जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा तो आपके माइंड में जो है एक क्लियर इमेज बन जाएगी, जिनको नहीं पता है कि कहां कहां पर जो है वो कंप्यूटर का यूज होता है। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस। किसी भी टाइप का बिजनेस हो, किसी भी एरिया का बिजनेस हो, सभी जगह जो है वो कंप्यूटर का यूज किया जाता है। किस किस में? सबसे पहले कैलकुलेशन में, किसी भी टाइप की कैलकुलेशन हो बिजनेस से रिलेटेड, वो सारी की जाती है आपकी कंप्यूटर्स के ऊपर। बजटिंग, आपका बिजनेस से रिलेटेड जितना भी बजट है, उसका लेन देन वगैरह खर्चा जो भी हुआ है वो सब कुछ किया जाता है आपका कंप्यूटर पर। सेल्स एनालिसिस, कितनी सेल्स हुई है किसी कंपनी की, वो सारा किया जाता है आपका कंप्यूटर के ऊपर। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग भी आपकी जो है वो कंप्यूटर के ऊपर की जाती है। मैनेजिंग एम्प्लॉय डाटाबेस, देखिए जो भी एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, कोई फर्म है वहां पर काम कर रहे हैं, तो क्या क्या उनका डाटाबेस है, कितनी उनको सैलरी जानी है, ठीक है, कब कौन पर्सन कब ज्वाइन हुआ है, कब निकलेगा, ठीक है, जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा होता है वो किसके थ्रू किया जाता है, वो सभी कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है। आपने भी कोई फर्म देखी होगी, ये चीजें तो आपको भी पता होगी कि आपने कोई कंपनी देखी है, तो सारा कुछ डाटा जो है वो स्टोर करके रखा जाता है आपका कंप्यूटर में, ठीक है। स्टॉक्स बनाने हैं आपके किसी भी बिजनेस में, तो वो सभी बनते हैं आपके कंप्यूटर के थ्रू। तो ये है आपका सबसे पहला बिजनेस में एप्लीकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग में। तो आप बैंक में गए होंगे, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो बैंक में नहीं गया है। हर व्यक्ति के आगे, जो भी बैंक में पर्सन बैठा होता है, उसके आगे कंप्यूटर रखा होता है। तो ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी, ठीक है, विच इंक्लूड्स चेकिंग करंट बैलेंस। अगर आप उनसे पूछते हो कि हमें बैलेंस चेक करना है, वैसे तो आजकल घर पे ही हो जाता है, फिर भी अगर आपको करवाना है तो वो भी आपका कंप्यूटर के थ्रू होता है। मेकिंग डिपॉजिट एंड ओवरड्राफ्ट, वो भी कंप्यूटर के थ्रू होते हैं। चेकिंग इंटरेस्ट चार्जेस, वो भी कंप्यूटर के थ्रू होते हैं। और कोई भी ट्रस्टी रिकॉर्ड वगैरह रखने, सारे रिकॉर्ड्स जो है वो कंप्यूटर के थ्रू रखे जाते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है आपके आगे एटीएम मशीन्स, जिनका आप डेली यूज करते हो या फिर कभी भी यूज करते हो, 24 घंटे आपके लिए जो है वो चली रहती है, तो वो भी जो है आपकी कंप्यूटर बेस्ड होती है, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर का इस तरह से रोल किया जो है वो रोल है आपका। इंश्योरेंस की बात करें तो इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड पूरा डाटाबेस, पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है, और इंटरेस्ट जो आपके ड्यू रह गए हैं, ठीक है, बेनिफिट बोनस, तो ये सारा कुछ जो है वो आपका कंप्यूटर के थ्रू ही किया जाता है, ठीक है। इनको पढ़ाने का मेन मकसद ये है कि आपको आगे जब चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर उस पर जाने से पहले जो है आपकी पूरे माइंड जो है वो सेटअप क्लियर हो कि एप्लीकेशंस कंप्यूटर की क्या होती है, कहां कहां पर यूज होता है, किस तरह से यूज किया जाता है, तभी जो है वो आपको आगे की चीजें जो है वो समझ आएंगी। फिर इसके अलावा कुछ और सेक्टर हैं जहां पर जो है वो कंप्यूटर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन। एजुकेशन में आपको पता ही होगा, अभी जैसे कि लॉकडाउन चला हुआ था तो बहुत सारे टीचर जो है वो ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, तो उसके लिए जो है वो कंप्यूटर का यूज कर रहे थे। उसके अलावा जो आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें जो क्लर्क वगैरह सभी कुछ सैलरी वगैरह रखते हैं, या फिर आपका पूरा इंस्टीट्यूट का डाटा वगैरह होता है, वो भी आपका कंप्यूटर में रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है। इवन जो आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी आपकी कंप्यूटर के थ्रू पावर पॉइंट पर बनाई गई है, ठीक है। तो ये सभी चीजों में एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल है कंप्यूटर का। उसके अलावा मार्केटिंग में हो गया, हेल्थ केयर में आपने देखा ही होगा कि सिस्टम लगे होते हैं, कुछ भी डाटा, कोई भी आप टेस्ट करवाते हो तो उसका जो भी डाटा दिखाया जाता है वो कंप्यूटर के थ्रू दिखाया जाता है। कम्युनिकेशन में आप यूज करते हो ईमेल वगैरह, ठीक है। उसके अलावा आप डेस्कटॉप पर कोई भी चैटिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो वो सभी क्या है, कम्युनिकेशन में कंप्यूटर का यूज होता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो भी यूज होते हैं वो कंप्यूटर के होते हैं। उसके अलावा एक चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं ई कॉमर्स, कंप्यूटर के थ्रू आप
चलाते हैं उसको, ठीक है। कम्युनिकेशन में मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बता दिया, एंटरटेनमेंट में आप वीडियोस देखते हो, मूवीज देखते हो, ठीक है, नेटफ्लिक्स वगैरह यूज करते हो, कंप्यूटर में सब कुछ जो भी आप यूज करते हो एंटरटेनमेंट के लिए, पिक्स वगैरह वो सभी क्या होती है, कंप्यूटर उसमें यूज किया जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कंप्यूटर के बिना जो है वो साइंस आज के टाइम में जो है वो तरक्की कर सकती है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम काम जो है वो कंप्यूटर के ऊपर होता है। मेडिकल का मैंने आपको बता दिया, एजुकेशन का मैंने आपको बता दिया। तो ये थी आपकी बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज की वीडियो में आई थिंक इतना ही काफी है, क्योंकि ये बेसिक था। एक बार ये बेसिक अलग हो जाए, आपको अच्छे से समझ आ जाए, और आई थिंक आपको ये समझ भी आ गया होगा, इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगली वीडियो में जो है हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर आपका आज आई थिंक खत्म हो गया है, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर एक लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।